दादी माँ के घरेलू नुस्खे 38 बेस्ट किचन टिप्स। एक, जिन महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान शरीर पर खुजली चलती है तो उनको शरीर को पानी से अच्छी तरह साफ करें, फिर सरसों के तेल से मालिश करें, फिर ठंडे पानी में एक कपड़ा भिगोकर उस कपड़े को अपने शरीर पर रखें। अगर आप ज़्यादा खुजली करेंगे तो खुजली और ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए जब भी खुजली चले तो बिल्कुल हल्का एक कॉटन का कपड़ा ले, उसको ठंडे पानी से गीला करें, शरीर पर लगा लें, इससे खुजली बिल्कुल नहीं चलेगी। नंबर दो, बिंदी लगाने के फायदे। सिर दर्द दूर हो सकता है, साइनस में आराम मिल सकता है, आंखों की रोशनी और सेहत में सुधार आता है, आपकी त्वचा जवां रहती है, अवसाद से बचते हैं, सुनने की शक्ति बेहतर होती है, याददाश्त बेहतर होती है और ध्यान में भी सुधार आता है, सतर्कता बेहतर होती है, तनाव की वजह से माइग्रेन का जोखिम कम होता है। आप इसे सही जगह पर लगाती हैं, फिर थोड़ा एडजस्ट करती हैं, फिर हल्का सा दबाती है ताकि वह अपनी जगह पर रहे। जब तीसरी सांक को दिन में कई बार दबाया जाता है तो इससे सेहत को कई फायदे मिलते हैं। यह न सिर्फ महिलाओं के लिए फायदेमंद होती है बल्कि पुरुषों के लिए भी। वैसे पुरुष बिंदी नहीं लगाते, लेकिन वे रोज अंजना चक्र पर कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। इसके अलावा पुरुष केवल माथे के इस पॉइंट को रोजाना 100 बार प्रेस भी कर सकते हैं। नंबर तीन, घर के पोंछे के पानी में फिटकरी मिलाकर पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर चार, जो लोग अपने घर में शुद्ध शहद, खजूर, ऑलिव ऑयल, अंजीर इन सब का सेवन करते हैं, उनके घर में कभी बीमारी नहीं आ सकती है। नंबर पाँच, मसूर की दाल दिल की बीमारी होने से बचाती है। नंबर छः, सुबह का नाश्ता जरूर करें। नंबर सात, आंवला सुबह खाली पेट खाने से शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। नंबर आठ, फिटकरी को चेहरे पर लगाने से फोड़े फुंसी खत्म हो जाती है। नंबर नौ, ज़्यादा गर्म खाना खाने से गले की बीमारियां जन्म लेती है, साथ ही दिल और फेफड़ों को कमज़ोर करती है। नंबर दस, अगर चेहरे पर दाने हो गए हों तो फ्रेश एलोवेरा लगाएं, इससे चेहरे पर से धीरे धीरे दाने खत्म हो जाएंगे। नंबर 11, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनको अनार खाना चाहिए, ये पेट को सही रखता है। नंबर 12, नारियल और चुकंदर खाने से हड्डियों का जोड़ मजबूत होता है। नंबर 13, पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए उल्टा लेट जाएं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 14, खाना खाते वक्त या खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 15, खाना खाने के तुरंत बाद भागना नहीं चाहिए, हो सके तो थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, बाएं करवट जरूर लेटें, खाना खाते बाएं करवट लें। नंबर 16, यदि व्यक्ति को अचानक से बुखार या ज्वर आ जाए तो वह एक दिन का भोजन ना करें, क्योंकि एक दिन भोजन ना करने से त्रिदोष वात पित्त कफ ये अपने आप समान अवस्था में आ जाएगा, जिससे ज्वर में आराम मिलेगा। नंबर 17, नीम की पत्तियों को उबाल कर उसके पानी से नहाने से त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। नंबर 18, खेत की काली मिट्टी को थोड़ी देर पानी में भिगोएं और उसको बालों में शैम्पू की तरह लगाएं, बाल मुलायम होते हैं बिना किसी नुकसान के। नंबर 19, मुल्तानी मिट्टी का लेप चेहरे पर निखार लाता है। नंबर 20, रोज आंवले का सेवन करने से आंखें और बाल स्वस्थ रहते हैं। नंबर 21, नाभि में सरसों का तेल लगाने से होठ मुलायम रहते हैं। नंबर 22, सुबह निराहार की मुंह गुनगुने पानी का सेवन करने से पेट पूरी तरह साफ हो जाता है, कब्ज बवासीर आदि के मरीजों को जरूर अपनाना चाहिए। नंबर 24, थोड़ा सा शहद गुनगुने दूध में मिलाकर पीने से वजन बढ़ता है और पानी में मिलाकर पीने से वजन कम होता है। नंबर 25, हल्के गर्म तेल से मालिश करने से शरीर में रक्त संचार सही रहता है। नंबर 26, गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 27, नारियल के तेल में कुछ सूखे आंवले डालें और उन्हें जब तक उबालें जब तक कि आपको काला तेल ना मिल जाए। अगर आप इस तेल की मालिश करते हैं तो ये बहुत प्रभावी साबित होगा। आंवले में आहार फाइबर होता है और ये विटामिन
सी से भरपूर होता है। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन की अच्छी खुराक वालों की मजबूती के लिए सहायक होती है। नंबर 28, पेट दर्द होने पर हींग, अजवाइन, काला नमक और थोड़ा भुना हुआ जीरा लें और इसे चूर्ण बनाकर पानी के साथ खा लें। पेट दर्द में आराम मिल जाता है। नंबर 29, उल्टी होने पर बड़ी इलायची कूटकर पानी के साथ सेवन करें, उल्टी में आराम मिलता है। नंबर 30, नाक में एक एक बूंद बादाम रोगन तेल नियमित रूप से डालने से व्यक्ति अनेक रोगों से बचा रहता है और एलर्जी से होने वाली जुकाम आदि से बचा रहता है। नंबर 31, यदि हार्मोन डिसबैलेंस की समस्या है, जैसे स्त्रियों में अक्सर देखा गया है, तो 1 चम्मच काले तिल का नियमित प्रयोग करें, इससे हार्मोन डिसबैलेंस ठीक हो जाता है। नंबर 32, दमे के रोगियों को नियमित रूप से 4 से 5 मुनक्के भूनकर सेंधा नमक छिड़क कर रोज खाने से आराम मिलता है। नंबर 33, अनिद्रा से बचने के लिए चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, तनाव से दूर रहना चाहिए। रात को नींद ना आए तो पुराने गाने सुने, एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, कुछ सुगंधित फूल सूंघें। आपके पास जो अच्छी और बचपन की यादें हैं उन्हें याद करें, कुछ मीठा खाएं, कुछ ऐसी किताबें साथ रखें जो आपको पसंदीदा हो। दिन भर शरीर से काम लें जिससे आपके शरीर में थकान आए। रोज रात में चाय, कॉफ़ी आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नंबर 34, खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी या ठंड के कारण हो सकती है। बदलते मौसम में सर्दी खांसी होना तो कुछ लोगों के लिए आम बात है। नंबर 35, इम्यूनिटी बढ़ाने और कमजोरी को दूर करने के लिए दूध में 1/4 टीस्पून दालचीनी मिलाकर लेनी चाहिए। नंबर 36, कभी भी किसी को डायरिया हो तो नमक चीनी को पानी में मिलाकर पिलाते रहने से शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होती है। नंबर 37, दोपहर के भोजन में मौसम अनुसार सब्जी, दाल, चावल, रोटी, दही, लस्सी, सलाद आदि पौष्टिक चीज़ें शामिल करें। रोटी मिक्स आटे की बनाएं और मौसम के अनुसार बाजरे, मक्के व चने आटे की रोटी बनाएं। 38, अगर आप अपने अधिक खाने की आदतों से परेशान हैं और भूख कम करने के लिए दादी माँ के नुस्खे अपनाना चाहते हैं तो खाने में काली और हरी मिर्च का सेवन करें। मिर्च से भूख कम लगती है और मोटापा कम करने में मदद मिलती है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।